हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं TS DEE CET 2020 काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ गाइस, TS DEE CET 2020 का जो वेब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, किस तरह से उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस TS DEE CET 2020 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के और बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखना। तो गाइस, उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग इस तरह के न्यू इंटरफेस पे आ जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फिल वेब ऑप्शंस एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी जा रही है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना हॉल टिकट नंबर एंटर कर देना है, देन आपका जो पेमेंट रेफरेंस आईडी हो, पेमेंट रेफरेंस आईडी यहाँ पे फिल करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। लाइक यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मंथ सेलेक्ट कर लेना है, देन डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, और उसके बाद सिंपली आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आप लोगों के जो मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद आपको सिंपली ओटीपी एंटर करना है, और आप जो है गाइस काउंसलिंग के लिए, वेब ऑप्शन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस कोई भी इशू फेस होता है तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ गाइस, अब जो है एमसेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है अनअकैडमी के थ्रू, तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो अपॉर्चुनिटी की मैंने आप लोगों से वीडियो में बात की थी, वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ चुकी है। लाइक गाइस, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अनअकैडमी के थ्रू जो है बेस्ट प्लान्स जो है आप लोगों के लिए गाइस लाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप जो है एमसेट 2021 के स्प्रिंग पे, अगर आप एमसेट 2021 को जो है क्लियर करके क्रैक करना चाहते हैं, तो गाइस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी के थ्रू आप लोगों के लिए आई हुई है। उसी के साथ मैं बता दूं गाइस कि ये जो है तेलुगु बैच स्टार्ट होने वाला है एमसेट के लिए, पीसीएम यानी कि फिजिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और पीसीबी फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों के लिए ही अलग अलग बैच जो है स्टार्ट होने वाले हैं, स्पेशली फॉर तेलुगु बैच। यानी कि गाइस, अगर आप जो है इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में कम्फर्टेबल नहीं है, आप जो है तेलुगु लैंग्वेज में ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो गाइस आप लोगों के लिए स्पेशली तेलुगु बैच स्टार्ट की जा रही है अनअकैडमी के थ्रू। अब गाइस, मैं आपको और इसमें थोड़ी डिटेल्स देते हो, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसीएम के लिए जो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिल जाएगी, पीसीएम की एक अलग लिंक मिल जाएगी और पीसीबी के लिए जो अलग लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही लिंक के लिए, यहाँ पे दोनों ही लिंक पर जब क्लिक करके आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे दी गई है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको बता दिया कि एमसेट की जो पीसीएम में आपको जो कौन से मींस ये जो लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, जो भी लेक्चर्स आपके ऑलरेडी छूट चुके वो भी यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप यहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 दिसंबर को कौन सा, यानी कि कौन सा जो आपका लेक्चर लिया जाने वाला, टॉपिक क्या रहेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन है, फिर आप इस थर्मल फिजिक्स लिया जाएगा 14 दिसंबर को, हर एक चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। अब गाइस, इसके लिए आपको जो है और इसमें थोड़ी डिटेल में बता दूं कि इसके जो प्लान्स क्या रहेंगे, और आपके लिए जो इसमें एक और बेनिफिट भी है वो क्या गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 मंथ का जो है 12,375 रुपीज़ है, 6 मंथ का 10,125 रुपीज़ आपका चार्जेस यहाँ पे रहेगा टोटल। अब लेकिन गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो है नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है 6 मंथ या उससे अबाउ सब्सक्रिप्शन पे, यानी कि गाइस अगर आप 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि आप जो है जो भी अमाउंट आपका टोटल होगा थोड़ा थोड़ा करके भी जो है भर सकते हैं। उसी के साथ के 10% मोर डिस्काउंट पाने के लिए आपको सिंपली एक कोड यूज़ करना होगा, एक रेफरल कोड एंट्रेंस एग्जाम गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो कोड आप सिंपली यूज़ करके जो 10% प्लस डिस्काउंट पा सकते हैं। अब गाइस, किस तरह से एनरोल करना, मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखाई देगा, अगर आप पीसीएम चाहते हो तो पीसीएम वरना पीसीबी के लिए भी अलग लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आपको सिंपली जो उस पर क्लिक कर देना है,
और वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे आपका बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 month, 3 month, 6 month, 12 and 24 month जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप जो है लेना चाहते हैं वो आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रेफरल कोड, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे जो है अपना रेफरल कोड एंटर कर देना, जैसे कि मैंने कहा था आपको एंट्रेंस एग्जाम गाइड एंटर करना होगा, सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑसम यू है गॉट 10% ऑफ, तो इसी तरह से आपको भी 10% ऑफ मिल जाएगा। और फिर आपको सिंपली प्रोसीड टू पे करना है, और साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा था। सो गाइस ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर एमसेट स्टूडेंट, चाहे आप एपी एमसेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या टीएस।